अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक पुटे गुरु, मैं आपको आज विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग वेब सीरीज नंबर 6 में आज आपके लिए वेबसाइट डिजाइनिंग में कोर्स लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने ब्लॉग में, डैशबोर्ड में, आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में किस प्रकार से आपको पोस्ट डालनी है और किस प्रकार से आप उसमें कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं अपनी पोस्ट के हिसाब से। मान लीजिए आपकी जो पोस्ट है, पर्टिकुलर पोस्ट है, वो आप स्पोर्ट्स को लेके हैं तो आपको किस प्रकार से स्पोर्ट्स कैटेगरी में डालना है, या आपकी पोस्ट किसी मॉक टेस्ट को लेके तो मॉक टेस्ट में किस तरह डालना है, या कोई न्यूज़ है तो न्यूज़ में किस तरह डालना है, या कोई गेम की पोस्ट है तो गेम, या कोई मूवी या सॉन्ग या कोई भी आपकी किसी प्रकार का न्यूज़ कंटेंट हो, कोई भी प्रकार का कंटेंट हो, तो किस प्रकार से उसको उसकी कैटेगरी बना के आपको वो पोस्ट उस कैटेगरी के हिसाब से डालेंगे तो आपको कंटेंट ढूंढने में भी सर आसानी होगी और उसको रैंक कराने में भी आपको आसानी होगी, जिससे कि आपका गूगल के फर्स्ट पेज पर आपका पेज रैंक करेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से पोस्ट को आप क्रिएट करना है और किस प्रकार से कैटेगरी को क्रिएट करना है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल होता है इसको क्रिएट करना और कैटेगरी को बनाना, आप आराम से बना सकते हैं। और पोस्ट अपने वो आपको सेलेक्ट करनी है, उसी को कीवर्ड को आपको रैंक कराना है, तो वो हम लोग वीडियो में बाद में देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सिंपल सा पोस्ट आपको डालना है, उसका टाइटल किस प्रकार से बनाना है और कैटेगरी किस प्रकार से उसी पोस्ट के अनुसार आपको बनानी है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करना है आपको अपने, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जाना है पोस्ट पे, यहाँ पे आपको पोस्ट में चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑल पोस्ट जिसमें आपकी सारी पोस्ट आपकी पब्लिश होके आएंगी जब आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके होंगे, और उसके बाद आपको ऐड न्यू का ऑप्शन बनेगा, यानी कि आपको अगर कोई नई पोस्ट डालनी है तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी जनरेट करनी है तो आपको कैटेगरी पे जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर टैग लगाना है आपको, कीवर्ड जिसको कहते हैं, अगर आपको टैग यूज़ करने हैं तो आपको टैग पे जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही इसमें मिल जाएंगी, जिसको आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो उसी में आपको कैटेगरी भी मिल जाएगी और टैग भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऐड न्यू पे चलते हैं और पोस्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको वहीं पे कैटेगरी का ऑप्शन दिखाएंगे, फिर कैटेगरी किस प्रकार से बनाते हैं वो आपको बताएंगे। तो पहले ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे सिंपल सा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर द टाइटल। तो यहाँ पे जो आप कंटेंट लिखने वाले हैं अपनी पोस्ट के बारे में, या आपकी कोई इमेज है, या कोई भी चीज़ आप लिखने वाले हैं, न्यूज़ है, आर्टिकल है, किसी मूवी के बारे में, किसी स्पोर्ट्स के बारे में, किसी रिजल्ट के बारे में है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं अपने पेज पर, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए ये आपको पहले पता होना चाहिए। आपको किस में डालना है, किस मेन्यू में डालना है, किस कैटेगरी में डालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल यहाँ पे डालना है अपना। तो टाइटल आप मान लीजिए कोई भी टाइटल आपका डाल सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई आप किसी के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या किसी के बारे में, तो जैसे कि डाल देते हैं चलिए यहाँ पे ओ लेवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देते हैं यहाँ पे। ये डाल दिया आपने टोटल और 2018 डाल दिया आपने, मान लीजिए ये आपने डाल दिया यहाँ पे, और आपको यहाँ पे पोस्ट डालनी है अब, तो इसी को यहाँ पे कॉपी करके इस तरह से कर दें, और इसको जो आपका पैराग्राफ रहेगा वो हेडिंग वन में रहेगा, जिससे कि रैंक कराने में आसानी होगी। इसको आप कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं, इसको बीच में कर सकते हैं, यहाँ से लेफ़्ट राइट जिस प्रकार से करना चाहते हैं, इसको ब्रैकेट में करना चाहते हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको आ जाएगा। जिस प्रकार से आप डिज़ाइन करना चाहते हैं उसको अलाइनमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं, तो दे सकते हैं यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, जिस प्रकार से लिखना चाहें, कलर करना चाहें, इसमें बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, और अंडरलाइन करना चाहें, तो कुछ भी आप इसमें अपना चेंजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टाइटल। अब इसमें आपको नीचे लिखना है, तो इसमें आप जो भी डेटा लिखना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी एक डेमो डेटा पड़ा हुआ है जिसको हम कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको मटेरियल लिखना है, फिर आप इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या कहीं से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो डुप्लीकेट ना हो वो। तो इस प्रकार से मान लीजिए आपने लिख दिया, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे प्रीव्यू, अगर आपको उसको देखना है ये किस प्रकार से दिखेगा तो यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं आप। तो आप जब यहाँ पर प्रीव्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट पर किस प्रकार से शो हो के आएगा,
तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको शो किया जाएगा ओ लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है इसमें और ये अनकैटेगराइज है और कुछ वहाँ पे कमेंट वमेंट नहीं है। तो उसके बाद अभी इसको पब्लिश करेंगे, उसके बाद यहाँ कैटेगरी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, तो यहाँ पे अभी कोई कैटेगरी जनरेट नहीं की गई है, तो आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको टैग का ऑप्शन मिलता है कि आपकी जो पोस्ट है वो किससे जुड़ी हुई है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर टैग लगाना है। तो मान लीजिए आपका ओ लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 या 4 5 टैग आप लगा सकते हैं, ओ लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओ लेवल इंपॉर्टेंट एक मॉक टेस्ट 2018, इस प्रकार से आपको टैग लगाने होते हैं। तो यहाँ से आप 2 या 4 5 टैग जितने लगाना चाहें वहाँ टैग लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलता है कि ये जो आपकी जो पोस्ट आएगी वो डिफ़ॉल्ट आएगी या राइट बार पे आएगी, यानी जब राइट बार पे सेलेक्ट कर देंगे तो राइट साइड में आपकी शो होगी आपके वेबसाइट पे, लेफ्ट में कर देंगे तो लेफ्ट में शो होगी, फुल विड्थ कर देंगे तो फुल आपके कंटेंट पे शो होगी, जो जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार से शो करवा सकते हैं। उसके बाद फीचर इमेज अगर चाहते हैं कि आपका मान लीजिए पोस्ट है, अभी आपको दिखाते हैं पोस्ट पे अगर आप फीचर इमेज चाहते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए ये पोस्ट है तो यहाँ पे अभी इमेज नहीं आ रहा, खाली हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, तो अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इस पर इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं करके। अभी मान लीजिए हमने ये इमेज ऐड कर दिया इसमें, तो इस प्रकार से इमेज ऐड हो गया। अब इसको पब्लिश करेंगे बेसिकली, अभी इसमें कैटेगरी जनरेट नहीं है तो अभी कैटेगरी जनरेट करेंगे, फिर उसका इसमें कैटेगरी ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली हम लोगों ने एक पोस्ट लिखी है ओ लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018। अब इसको किस प्रकार से रैंक करना है, एसईओ वगैरह करना है, वो भी आपको बताएंगे इसमें सारी चीज़ें। तो अब यहाँ व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जाके व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपके पास पोस्ट आ जाएगी। तो हमने ये अभी आर्टिकल लिखा है ओ लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018, तो और इस प्रकार से लिखा है आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने शो के आएगा। तो ये अभी किसी मेन्यू में नहीं जाएगा आपका, क्योंकि ये अभी आपका मेन्यू में नहीं लिखा गया है, इसलिए आपका मेन्यू में नहीं आएगा। तो ये बेसिकली आपका होम पेज पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने इमेज यहाँ पे यूज़ किया था वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इमेज हो के आएगा। तो अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे कि इसमें इमेज नहीं लगा है, तो आप इसमें इमेज अपना लगा सकते हैं, तो जो आर्टिकल है उस हिसाब से यहाँ पर इमेज आप लगा सकते हैं। तो वो किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट करना है, उसको डिज़ाइन करना है, तो आप फोटोशॉप या MS पावर पॉइंट या किसी भी वर्ड फॉर्मेट का आप यूज़ करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके बेसिकली पोस्ट डिज़ाइन करने की। इसी तरह से आप 2-4 पोस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रिपल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट डाल देते हैं 2018, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं या जो भी हो। बेसिकली अभी हम कुछ उसमें ले नहीं रहे हैं, हम आपको सिर्फ डेमो ग्रुप में दिखा रहे हैं किस प्रकार पोस्ट डालना है, बाकी आप जो कंटेंट डालना चाहें वो अपने अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो इसको भी आपको अगर छोटा बड़ा करना है तो उसको नीचे कर लें, इसको साइज़ बड़ा कर लें आप इस प्रकार से, इसमें कलर कर लें इस प्रकार से, जैसे जैसे कि बहुत दिखने में आसानी हो, अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ से आप साइज घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पे आराम से, जैसा चाहें अपने अनुसार से कर सकते हैं। बस वही चीज़ें करनी है, अगर आप फुल विड्थ पे करना है, एक आपको फुल विड्थ करके दिखा देते हैं, आप फुल विड्थ पे कर देंगे तो जब इसका आउटपुट जो आएगा, उसके बाद ये जो आपको दिया गया है ये चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी, जब आपको रैंक करना सिखाया जाएगा किस प्रकार से रैंक करना है, तब आपको ये कीवर्ड वगैरह सिखा देंगे कि किस प्रकार से इसको करना है, ये बात की चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर टैग डाल दें जो आपकी पोस्ट है, जैसे कि मान लीजिए एक पोस्ट टैग ला कर दे सकते हैं ट्रिपल सी मॉक टेस्ट, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं टैग। बस आपको यहाँ पे इंटर कर देना, ये अपने आप टैग हो जाएगा, एक टैग यहाँ बन गया, उस पर कहते ट्रिपल सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बेसिकली आपके रैंक कराने में बहुत हेल्प करते हैं इस प्रकार से। आपको 2-5 टैग आपके लिए बहुत हैं, तो यहाँ से आप टैग लगा सकते हैं। कैटेगरी आपने बना रखी है तो कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ट्रिपल सी जो भी आपकी कैटेगरी बनी हुई है, मेन्यू पेज बने हुए हैं। अभी आपको ऐड करना भी दिखा देंगे कि आपके जो जो मेन्यू है उन्हीं को किस प्रकार से कैटेगरी में आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको कैटेगरी जनरेट नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको सिर्फ पब्लिश कर देना है। तो अब व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखते हैं किस प्रकार से फुल विड्थ पे आता है ये। तो आप देख सकते हैं ट्रिपल सी मॉक टेस्ट, ये आपका फुल पेज पे आ रहा है, ना इसमें आपका लेफ्ट साइड बार आ रहा है, ना इसमें आपका राइट साइड बार आ रहा है। तो ये अपने हिसाब से आप चेंजमेंट कर सकते हैं कि आपको वो कंटेंट, अगर मान लीजिए कंटेंट काफ़ी बड़ा है तो आपको फुल पे दिखाना है कि आपको हाफ पे दिखाना है, कि वो आपको जो व्यूअर्स है और जो पीपल लोग देख रहे हैं आपका वेबसाइट पर ट्रैफिक जो आ रहा है वो किस प्रकार से आप उसको दिखाना चाहते हैं। तो ये आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं अपने कंटेंट के अनुसार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं।
तो ये आपको बेसिकली पोस्ट क्रिएट करना, मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, इसी प्रकार से आपको अपने पोस्ट क्रिएट करनी है। अगर आप पोस्ट में अपना कोई इमेज डालना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिलता है ऐड इमेज, तो यहाँ पे आप ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम लोग यही ले लेते हैं, तो इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से अपने अनुसार कर सकते हैं, जो भी आप इमेज लगाना चाहते हैं, बस आपको सिंपल सा अपडेट कर देना है। तो अब आप व्यू व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पोस्ट में यहाँ पे इमेज आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें इमेज कोई भी डालना चाहें, जैसे कि कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो उसमें अपना इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यू में, मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, अब वहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शन अवेलेबल है, फिर आपको बताते हैं कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अनकैटेगराइज सेलेक्ट है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे कोई कैटेगरी आपकी शो नहीं हो रही है। तो बेसिकली अभी आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी और कैटेगरी डिजाइन करनी पड़ेगी, तो आपको पोस्ट पे जाना है और कैटेगरी पे जाना है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम डालना है, देन नेम आपकी जो कैटेगरी होगी वो मान लीजिए ट्रिपल सी डाल देते हैं, ट्रिपल सी कैटेगरी का नाम है, जैसे मान लीजिए आप ट्रिपल सी की पोस्ट डाल रहे हैं तो आप ट्रिपल सी या कोई भी आप पोस्ट डाल रहे हैं स्लग इसमें रहेगा, और ये भी आप ट्रिपल सी रख दें, बस इसमें आपको कुछ कैटेगरी भी नहीं करनी है आपको। और ऐड न्यू कैटेगरी पे डिस्क्रिप्शन इसके बारे में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐड न्यू हो गई आपकी, एक कैटेगरी ऐड हो गई, अब दूसरे से कैटेगरी डाल देते हैं ओ लेवल, इस प्रकार से आपको कैटेगरी क्रिएट करनी है खाली। तो जितनी चाहे उतनी आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, तो जिस प्रकार से आपको पोस्ट कंटेंट डालना है उसी प्रकार से आप कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करें। तो ये आपने आप बेसिकली देख सकते हैं तीन कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं, तो हमको अपीयरेंस में जाना है और मेन्यू पर जाना है, तो अब यहाँ पर कैटेगरी में ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चारों कैटेगरी आ गई, सिलेक्ट करना है आपको, इसको हटा देना है, ऐड टू मेन्यू करना है, तो ये आपकी कैटेगरी मेन्यू में ऐड हो जाएगी। तो अब हम जरा पोस्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ चुकी है, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे अभी, इसको चेंज करते हैं। अब आपको पोस्ट में जाना है, ऑल पोस्ट में आप जैसे कि अब इसको एडिट करेंगे, ट्रिपल सी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, अब यहाँ पर आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आपकी ये जो आपकी पोस्ट थी वो ट्रिपल सी के संदर्भ में थी, तो आपको यहाँ पर ट्रिपल सी पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो इस प्रकार से आपको इसमें एडिट करना था, आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं, तो आपकी कैटेगरी एक बन जाएगी, तो आपकी ये ट्रिपल सी कैटेगरी के अंदर आपका शो हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये देख सकते हैं ट्रिपल सी कैटेगरी बन गई यहाँ पे। अब यहाँ ट्रिपल सी एग्जाम में कुछ नहीं है, तो इसको आप उससे लिंक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी से, या इन्हीं को आप कैटेगरी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको बता देंगे किस प्रकार से करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया हो किस प्रकार से आपको कैटेगरी जनरेट करनी है और किस प्रकार से आपको पोस्ट डालनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई जानकारी चाहिए वेबसाइट डिजाइनिंग के संदर्भ में किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग के कोडिंग की, तो आप गवर्नमेंट पूछ सकते हैं।